हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स एंड बेबी लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि टाइटल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज जो है किससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा भी 2 ईयर का बेबी है, और जो है जैसे कि मैं बताऊं उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैंने जो चीज़ खुद अपने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करी है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बहुत सारी माँ रहती हैं, ऐसे परेशान रहती हैं कि मेरा बेटा बहुत ज़िद्दी है, मेरी बातें नहीं मानता है, ऑल टाइम मोबाइल देखता है, मोबाइल के लिए जिद करता है, खाना नहीं खाता है, या फिर जो है मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है। इवन बड़े बच्चे भी, जो 5 ईयर 6 ईयर के जो बच्चे समझने लायक थोड़ा हो जाते हैं, वो भी नहीं सुनते हैं। तो एक चीज़ बता दें, इसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ आपको, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी जो कमी होती है वो हमारे अंदर होती है, यानी पेरेंट्स के अंदर भी होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आजकल देखा है कि अगर जो है कुछ काम कर रही हैं माएँ, या कुछ भी अपने लिए जो है कुछ भी एनीवन कुछ भी काम कर रही हूँ, तो सीधे से बच्चे को अपना फ़ोन दे देती हैं और उससे उनका काम ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आदत, ये जो हैबिट्स हैं हमने मोबाइल की कैसे दिलाई बच्चों को, और वो भी दिलाई तो अपने ही थ्रू दिलाई, और अपने ही चीज़ों को अच्छा करने के लिए। क्योंकि पहले तो सेलफोन नहीं होता था, मैं अपने पास किचन में बैठा करके बच्चों को थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स देना, ये सब देना, उससे बच्चे खेलते थे, नेचुरल चीज़ों से खेलते थे, तो उनको देखती भी रहती थी और अपना काम भी कर लेती थी। ठीक है, तो आजकल क्या होता है कि हमने उन्हें बेड में बिठाया, मोबाइल दिया और देन अपना किचन का सारा काम कर लिया, बच्चे तब तक मोबाइल देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं। उनकी जो हैबिट है उसमें वो चीज़ शामिल हो गई कि हमें जो है मोबाइल जो है मिलेगा। अब अगर आप किसी को, कोई जो हमारी हैबिट बनी हुई है, अगर जैसे कोई लाइक 10 बजे रात को सो जाता है, अचानक से उसको 2 बजे रात को सुलाया जाए, तो क्या होगा? उसका हार्मोन सारा इधर का उधर हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आने लगेगी, उसको वीकनेस फील होने लगेगा उसको। तो ऐसे बच्चे, अगर इसको इससे रिलेट करके अगर हम देखें, जैसे बच्चे होते हैं, अगर उनको कंटिन्यूअस मोबाइल दिया जाए और अचानक से छोड़ दिया जाए, तो इससे बच्चों के ऊपर भी ठीक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी वजह से जो है बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और सारा चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये कि जिद करने वाली बात, जो माँ बोल रही थी कि मैम कैसे मैनेज करते हो, बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं आजकल, अब ये चीज़ भी कहाँ आती है, हमारे ऊपर लागू होती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स ही, जैसे बच्चा थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए जिद करने लगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये टॉयस चाहिए, मुझे ये चाहिए, स्टार्टिंग में क्या होता है, हमको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, हमें दिला देना चाहिए, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, जो भी है। स्टार्टिंग से हम उनकी सारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते चले आते हैं। ठीक है, एक टाइम के बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि बच्चा ज़्यादा जिद्दी हो रहा है, हर चीज़ के लिए जो है फरमाइशें कर रहा है, तो अब जो हमारी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो मैं फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसमें अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने अकॉर्डिंग उनको क्या कितने का क्या दिलाना है, जिससे उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और आपके जो बजट है वो भी इधर उधर ना हो, या फिर आप उनको ज़िद्दी ना बनाएं, मतलब लाइक अगर बच्चा जो है आपसे बार बार जो है टॉयज ले रहा है, बार बार आप उसको मॉल में जा रहे हैं, तो बच्चा बोल रहा है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप उसे उसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर दे रहे हैं, ऐसा मत करिए। उनको ये भी सिखाइए कि हर रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं की जाती है, ज़रूरी नहीं है कि आपके जो रिक्वायरमेंट है उसे हम तुरंत फुलफ़िल कर दें, या जो भी है। और तो अगर आप उनको ना की भी आदत डालेंगे, तो उनके अंदर ये जो जिद वाली बात है वो बिल्कुल नहीं आएगी, बच्चे जिद्दी बिल्कुल नहीं होंगे। और आपने नोटिस किया होगा कि आप बच्चे की हर रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं और बाद में वही बच्चे थोड़े जिद्दी हो जाते हैं और आपसे ऐसे चीज़ों की डिमांड करते हैं जो आपके बजट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये जो है कि आपके बजट जिद्दी हैं तो आप उनको जिद ना करना कैसे सिखाएं, कि उनको उनकी चीज़ों को ना करें। हाँ, बच्चे रोएंगे, परेशान करेंगे, इट्स ओके, बच्चे रोते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक बार रोएंगे, दो बार रोएंगे, बट नेक्स्ट टाइम आप देखना वो फिर उस चीज़ के लिए जिद्दी नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो रोते हैं, अगर ट्वाइस के लिए रोया, हाँ ठीक है ये ले लो तुम, उनको पता चल गया कि मैं रोऊंगा और मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, तो इससे क्या होता है बच्चों के अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं और बच्चा रो रो के अपनी चीज़ों को जो है अपनी जो रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल कराने लगेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ ये कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो माँ ने मतलब ये सारी आपके जो पॉइंट्स है उसको ले करके मैंने जो है आपको आंसर दिया है, आई होप आपको वीडियो भी अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ ये कि जैसे माँ बोलती हैं कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ माओं का इवन ये भी कहना है कि वो सिर्फ मिल्क लेते हैं, साथ में कुछ खाते नहीं हैं। पहली चीज़, आप उनको अपने साथ बिठा के खिलाना स्टार्ट करें।
आपको क्या होता है कि जो है हस्बैंड अपना लंच करके या कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करके ऑफिस चले गए, आपको जब टाइम मिला आपने खा लिया, बच्चों को जबरदस्ती अकेले खिलाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे बच्चा खाना नहीं सीखेगा। आपको स्टार्टिंग से उन्हें अपने साथ लेके, अगर हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आप भी बगल में बैठ के थोड़ा सा बच्चे को भी साथ में दीजिए, और इससे क्या होगा कि उनको ये लगेगा हाँ ये खाने की चीज़ है, मुझे भी साथ में खाना चाहिए। चलो अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है तो आपको एक छोटा सा चीज़ ये करना है कि बच्चों को जब उनको भूख लगे तब उनको जो है आप खाने के लिए दो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप एक एक घंटे में आप उनको कुछ ना कुछ देते जा रहे हैं, इससे क्या होगा बच्चे को भूखी नहीं लगेगी, वो कुछ कभी मांगने की जो चीज़ें हैं ना, मतलब कभी बोलेगा ही नहीं कि मम्मा मुझे खाना चाहिए, मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, मुझे लंच चाहिए, वो कभी बोलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर बच्चा जो है उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको भूख लगने दीजिए, फिर आप उसको खिलाइए, ठीक है। और एक चीज़ ज़रूर फॉलो करिएगा, अगर आपसे मॉर्निंग में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो नाइट में जब आप लोग कोशिश करिएगा साथ में डिनर करिए, बच्चे को साथ में बैठा करके उसकी अलग प्लेट देना, और उसको भी खाने की थोड़ी सी हैबिट डालिए, इससे बच्चा देखिए जिद भी नहीं करेगा और खाने आप लोग के साथ में वो भी खाना स्टार्ट कर देगा, और धीरे धीरे उसकी हैबिट हो जाएगी। कुछ माँ ने बोला है कि हमारा जो बेबी है वो जो है मिल्क नहीं पीता है, ग्लास से नहीं पीता है, बॉटल नहीं छोड़ रहा है अभी तक, और ठीक है बॉटल नहीं छोड़ रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी ही कमी है, क्योंकि बच्चा जब मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल का हो गया है, 1.5 साल का हो गया, तो उसे बॉटल की आदत नहीं डालनी चाहिए। फर्स्ट मैं आपको पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैंने आद्विक को कभी बॉटल की आदत डाली ही नहीं, मैंने उसे स्टार्टिंग से पहले जो है मिल्क देती थी वो स्पून से देती थी, स्पून के बाद मैंने उसको थोड़ा सा लिटा करके थोड़ा थोड़ा ग्लास से सिखाया, और धीरे धीरे आप देखो कि वो ग्लास से ही पीना स्टार्ट कर दिया। इवन आज भी मैंने उसको कभी बॉटल की आदत डाली ही नहीं, क्यों? क्योंकि बॉटल डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट टाइम ये रिकमेंड करा था कि आप कोशिश करना कि बॉटल मत देना, क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम होती है वो बॉटल से ही होती है, क्योंकि बॉटल हम उतना ज़्यादा क्लीन नहीं कर पाते हैं, कितना भी उसे हम क्लीन करते हैं आप देखो उसमें स्मेल आती है। मैंने एक ही बार बॉटल का थोड़ा सा यूज़ किया था, उसको इतना क्लीन करने के बाद भी पता नहीं क्यों मुझे फील ही नहीं आ रहा था कि ये बॉटल पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इससे क्या होता है बच्चों की आदत लग जाती है, अगर आप उन्हें बॉटल नहीं देंगे, आप देखना स्टार्टिंग से आपने थोड़ा थोड़ा सा ग्लास की हैबिट डालेंगे, और फिर बाद में आपको ही आराम रहेगा, बार बार बॉटल धुलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बच्चा भी हेल्दी रहेगा क्योंकि आपने उसे प्रॉपर ग्लास, स्टील के ग्लास में आपने उसे दूध को पीना सिखाया है, ठीक है। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन थे आपके द्वारा किए गए थे, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग के साथ शेयर कर दूं। बाकी इसका और भी अच्छा सोल्यूशन हो सकता है अगर किसी और के पास, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए जो ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप भी अपने व्यूज़ देंगे, और जो है जो मैंने अपने व्यूज़ दिए हैं, हो सकता है आपके पास मुझसे अच्छा कोई बहुत अच्छा जो है सोल्यूशन है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मिलेंगे आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।